पहले भी हमने कहा, वापस दोहरा रहे हैं, बहुत डाला है। अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में अपोजिशन पर बॉयकॉट डालना चाहिए। वेस्ट बंगाल, श्रीखोल, असम, खोल अगाड़ा, असम से काली, मणिपुर से पोंग, उत्तराखंड से हुड़का, पश्चिम बंगाल से सरोन, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से बांसुरी। तो बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, अवध तहां जहां राम निवासो, यानी अयोध्या वही है जहां राम का वास है। इसके अलावा भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से कहा था, मम धामदा पुरी सुख राशि, यानी हमारी अयोध्या समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है, देने वाली है। और अयोध्या अब वैसी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अयोध्या में जो ये कायाकल्प हुआ उसके बाद अयोध्या के जो वासी है उन्हें रोजगार के साधन मिल रहे हैं, उन्हें अवसर मिल रहा है कि वो अयोध्या में रहकर ही अपना जीवन यापन कर सके। छोटे छोटे दुकानदार जो है उनकी दुकानें चल रही है, खुश दिखाई दे रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि ये जो खुशी है वो दशकों बाद लौटी है अयोध्या में। अयोध्या तो सियासतदानों ने अछूती बना दी थी, अयोध्या वीरान उजड़ी हुई नजर आती थी, लेकिन अब क्योंकि रामलला आ रहे हैं इसलिए अयोध्या खिली हुई, सजी हुई, सवरी हुई नजर आ रही है। और इस विशेष अवसर का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं ये विशिष्ट मेहमान, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। और ये विशिष्ट अतिथि अब पहुंच चुके हैं परिसर में, जहां थोड़ी देर बाद अब भव्य मंदिर के अंदर रामलला की नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वो टाइमर भी आप देख रहे हैं, 1 घंटे 36 मिनट कुछ और समय अब बचा है जो शुभ मुहूर्त में, जो 84 सेकंड का है, जब नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दुनिया भर में चर्चा हो रही है इस कार्यक्रम की, क्योंकि दुनिया भर में जहां जहां राम भक्त है वहां वहां वो राम जी के आगमन में हर्षोल्लास में हैं, झूम रहे हैं, राम धुन गा रहे हैं। बड़ी संख्या में संत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, आते विशिष्ट विशिष्ट मेहमान पहुंचे हुए हैं, उद्योगपति हैं, मीडिया घराने से हैं, खेल जगत, सिने जगत, कलाकार, साहित्यकार, समाज सेवी, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो शीर्ष यजमान प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में है। और इसके अलावा किस तरह से जो जोश और हर्ष उल्लास देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाए जाके, श्रॉफ भी पहुंचे हुए हैं। हर विशिष्ट मेहमान की तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आ रहे हैं रामलला, और इसीलिए इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए सब आतुर दिखाई दिए, राम काज करीबे को आतुर। और अब ये संकल्प से सिद्धि तक का सफर जो तय किया गया है, इतिहास में जो नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, उस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ मेहमान पहुंचे हुए हैं। और बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया, और भगवान के मंदिर आए तो कैसे इंसानों को यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए, और अच्छा है। जैकी श्रॉफ वहां मौजूद, सब तमाम हस्तियां वहां पहुंच चुकी हैं शिवानी, और लोग अब सब शायद सब बैठ चुके हैं। प्रधानमंत्री बस किसी भी पल श्री राम जन्मभूमि पहुंचने वाले हैं, अयोध्या वो पहुंच चुके हैं जी, अयोध्या में लैंड कर चुके हैं। लेकिन किशोर भाई, मैं ये सोच रही थी कि क्या प्रधानमंत्री थोड़ा छोटा सा रोड शो भी करेंगे राम पथ पे आते आते, सीधा हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, फिर वो मंदिर में शायद जो 1 घंटा है उसमें वो उन श्रमिकों से मिलने वाले हैं। हाँ, श्रमिकों से मिलेंगे, लेकिन जो रास्ता वो लेंगे राम पथ, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सजावट की गई है। मैंने भी कल जाके देखा था, वहाँ पे बहुत सजावट की गई है भक्ति पथ और रामपथ में, वहाँ पे एक VIP एरिया भी है। लेकिन थोड़ा बहुत शायद वो चल ले सड़कों पे और लोगों को थोड़ा सा देख ले, क्योंकि बहुत बहुत भाव है लोगों में,
और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं अयोध्या के चौराहों पे। किशोर आपने भी देखा है कितनी भीड़ है, लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है लेकिन वो पूरे देश से आ गए हैं और वो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। जो इतना सिक्योरिटी के बावजूद आए, जी जी जी, सिक्योरिटी ना होती तो सोचिए, सिक्योरिटी ना होती या लोगों को जो मना ना किया होता कि आप ना आइए, अभी मत आइए, अभी आप 22 जनवरी के दिन अपने घरों में या अपने जहाँ जहाँ आपके पास में मंदिर है वहाँ पर पूजा कीजिए और उसके बाद आइएगा, तब भी काफी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अयोध्यावासी तो हैं। आप बोल रहे थे कि 10:55 पे शायद वो मंदिर परिसर पे पहुँचेंगे, थोड़ी देर में पहुँचने वाले होंगे क्योंकि अयोध्या में उनका हेलीकॉप्टर आ गया है। उसके बाद एक घंटा है 12 बजे तक, क्या करेंगे प्रधानमंत्री? थोड़े थोड़ा आइडिया हमें मिल रहा है, हो सकता है वो श्रमजीवियों से इस एक घंटे में मिले, हो सकता है वो मंदिर परिसर में थोड़ा बहुत घूमे, लेकिन एग्जैक्टली क्या करने वाले नहीं पता। देखिए बच्चे आए हैं स्कूल के, स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और उधर दीपोत्सव की तैयारी है शाम की, ये सब दीप जो है आज रात को दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये जो राम की पैड़ी का जो इलाका है वो बहुत फेमस हो गया है किशोर, दीपोत्सव के लिए दिए वगैरह लगा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को भी कि दिए लगाए जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे आए हैं और ये भी कुछ रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे आज जी। और दिए जो है अब दिवाली को देखते हैं लगते हुए, अब 22 जनवरी एक नई दिवाली की तारीख हो गई है क्योंकि रामलला विराजमान होने वाले हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, विज्ञान जो है वो विराजमान होने वाले हैं गर्भगृह में भव्य राम मंदिर। तो ये पूरे दीपोत्सव की तैयारी आप देख रहे हैं, लगातार वहाँ ढेर पड़े हुए हैं अभी दियों के और ये शाम तक पूरे सजा लिए जाएंगे और फिर ये जो शाम है आज की अयोध्या की शाम वो भी देखने वाली है। सुबह सबका इंतजार था, फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही जो शाम होगी वो दियों से जगमगाएगी पूरी अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से जो आमंत्रित लोग हैं वो अब मंदिर परिसर में बैठ गए हैं, लेकिन हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, बच्चे आए हुए हैं स्कूल से जो दीपोत्सव के लिए दीप अभी लगा रहे हैं, पंक्तियों में लगा रहे हैं और उसके बाद इनमें तेल भरा जाएगा और इनको जलाया जाएगा। ये दीपोत्सव हमने पहले भी देखा है, योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब से यहाँ दीपोत्सव हो रहा है, तब मंदिर का जजमेंट भी नहीं आया था, मंदिर के जजमेंट से पहले से ये हो रहा है और ऑफकोर्स मंदिर के जजमेंट के बाद तो बड़े बड़े रिकॉर्ड यहाँ बनाए जाते हैं किशोर, और ड्रोन्स के द्वारा आसमान में भी दृश्य बनाए जाते हैं और सब बिना फायरवर्क्स के होता है, बहुत ही क्लीन तरीके से होता है। ये हो रहा है सरयू के तट पर यहाँ राम की पैड़ी में और पूरा जो ये अयोध्या धाम जिसे अब अयोध्या धाम कहा जा रहा है, इसका पूरी जो एक तरह से आप देखेंगे ये जिस तरीके से रंग जो है सब बिल्डिंग्स के सब एक ही तरीके के कर दिए गए हैं, ये एक बिल्कुल अलौकिक दृश्य हो गया है। जैसे ही आप राम की पैड़ी में पहुंचते हैं या पूरे अयोध्या में राम पद से आते हैं, धर्म पद से आते हैं और ये मेहमान भी ये सब देख कर जाहिर सी बात है उनको भी हर्ष हो रहा होगा कि उनको इस अयोध्या नगरी में निमंत्रण मिला जो बिल्कुल ही जिसका बिल्कुल अपने आप में पूरी बदल सी गई, पूरी बदल गई। बिल्कुल, जितनी भी यहाँ पे दुकानें थी, एक तो बहुत सारी जो सड़कें हैं उनको बड़ा किया गया है और जितनी भी दुकानें थी उनको बाहर से एक ही रूप दिया गया है, सबकी दुकानों में एक हल्का पीला कलर किया गया है और सब दुकानों में सेम डिजाइन बनाया गया है, तो बाहर से दूर से बहुत सुंदर लगती हैं वो गलियां जो पहले बहुत संकरी गलियां थी और पहले ड्रेनेज नहीं था, जो नाली का जो प्रस्ताव था वो नहीं था, वो नई नई बनाई गई है, तो बहुत काम हुआ है लेकिन काम अभी बाकी है, जैसे कहते हैं ना पिक्चर बाकी है, वैसे ही अयोध्या में काम अभी बहुत बाकी है। खैर अब बस इंतजार प्रधानमंत्री का समारोह स्थल पे और प्रधानमंत्री बस पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अयोध्या तो पहुंच ही चुके हैं, समारोह स्थल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद 12:05 पर जैसा बार बार बता रहे हैं 12:05 पर ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू होगी और मुहूर्त जो प्राण प्रतिष्ठा का है जिसमें प्राण होंगे आएंगे उस विग्रह में वो 12:29.08 से 84 सेकंड शुरू होगा। 84 सेकंड का वो मुहूर्त है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा